एक पैकेट चिप्स, एक पैकेट बिस्किट या एक पैकेट भुजिया, जायका जितना जोरदार सेहत के लिए उतना ही खतरनाक। रोजाना हम सभी पैक्ड फूड खाते हैं। हम सभी अपने डेली डाइट्स में कई ऐसे प्रोडक्ट का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। ये दावा हाल ही में हुई। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक रिसर्च में किया गया है, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक पैकेट भुजिया या फिर चिप्स हमारी सेहत के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी खाने की चीजें हमारी सेहत की दुश्मन बन सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ संगठन यानी WHO ने एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट प्रकाशित की है। आइए अब ये भी जानते हैं कि इन प्रोडक्ट में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी होती है। WHO के मानकों के हिसाब से ट्रांस फैट्स की मात्रा प्रति 100 ग्राम में 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और पैकेट वाले खानों में रिफाइंड तेल जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो उसे बैन किया जाए। भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जनवरी 2022 में ये नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन बाजार में बिक रहे कितने प्रोडक्ट इन मानकों का पालन करते हैं ये कहा नहीं जा सकता। इस वक्त मेरे हाथ में आपको जो पैकेट नजर आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, इन सब में वही ट्रांस फैट है जो असल में आपको नहीं लेना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो जमा हुआ घी। चीजें सॉलिड रहें उसके लिए कुछ मात्रा में आपके फेवरेट चिप्स के पैकेट में, पिज्जा के बेस में, नमकीन में, बिस्किट में कुछ हद तक डाला जाता है। हालांकि बहुत सी कंपनियां अब इसकी उतनी ही मात्रा इस्तेमाल कर रही हैं जितनी की भारत में आज़ादी है, लेकिन जिन पैकेट्स पर लिखा ही नहीं है कि कितना ट्रांसफैट यानी कितना जमा हुआ घी इस पैकेट में मौजूद है, उसको खाते वक्त आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कितना नुकसान रोज़ाना चाहे अनचाहे खुद तक पहुंचा रहे हैं। जी मीडिया की ये रिपोर्ट हर हिंदुस्तानी के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इसी रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रांस फैट से कैसे बचा जाए। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर ट्रांस फैट ने हमारे शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। घर में भी अगर रिफाइंड ऑयल को बार बार यूज कर लिया और 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो वो आपको ट्रांस फैट वाला ही नुकसान देना शुरू कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको आलू टिक्की खानी है लेकिन आपको ट्रांस फैट से बचना भी है तो क्या कोई तरीका है? हाँ, आलू टिक्की आप देसी घी में बनाइए, अपने खाने में घी की मात्रा यूज़ करें या मस्टर्ड ऑयल ज़्यादातर यूज़ करें, लेकिन आज के डेट में मस्टर्ड ऑयल, घी ये सब यूज़ करना हमारे घरों में बंद हो चुका है। पहले हम यूज़ करते थे, आज के डेट में हम ट्रांस फैट, जैसे कि सैंडविच है हम पहले बटर लगाते थे या घी लगाते थे, ठीक है, पराठे में घी लगाते थे, बट आज के डेट में हम बटर यूज़ करते हैं। बटर में भी ट्रांस फैट है 3% और अवॉइड कर सकते हो आप। WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 5 अरब लोगों का जीवन ट्रांस फैट ने घटा दिया है और वो दिल की बीमारी के खतरे पर जी रहे हैं। 2018 में ट्रांस फैट को घटाने और 2023 तक ट्रांस फैट्स खाद्य पदार्थों से पूरी तरह खत्म किए जाने की कोशिश शुरू हुई थी। हालांकि अब 43 देश ट्रांस फैट्स के मामले में आगे बढ़ गए हैं। जाहिर है ट्रांस फैट सेहत के लिए बेहद घातक है, ऐसे में अब पूरी दुनिया में ट्रांस फैट से जुड़े प्रोडक्ट्स पर लगाम लगाने की एक विश्वव्यापी मुहिम जारी है। इस मुहिम में भारत के अलावा कई और देशों का नाम भी शुमार हो चुका है। 2022 में भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। भारत के अलावा बांग्लादेश, अर्जेंटीना और श्रीलंका ने भी पिछले वर्ष ट्रांस फैट्स की मात्रा काफी कम कर दी थी। ट्रांस फैट के बारे में डॉक्टर समय समय पर आगाह भी करते हैं, लेकिन हम स्वाद के लालच में फेर में ऐसे फंस जाते हैं कि इन तमाम सलाहों और हिदायतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लिहाजा यही लापरवाही हार्ट से जुड़ी परेशानियों के लिए घातक साबित होती है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रांस फैट की जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, ट्रांस फैट हमारे शरीर में मौजूद अच्छे फैट को भी खराब फैट में तब्दील कर देते हैं। ये केवल आर्टरी में जमा होकर दिल को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लीवर और ब्रेन पर भी बुरा असर डाल रहे हैं।
इनफैक्ट आप अगर आज किसी स्टोर में जाते हैं और आप बिस्किट्स खरीद रहे हैं, कुकीज खरीद रहे हैं, केक्स खरीद रहे हैं, व्हाटएवर, पॉपकॉर्न्स खरीद रहे हैं, एवरीथिंग इज ट्रांस फैट। इन साधारण भाषा में बोलें तो ये एक फैट है जो आर्टरीज में क्लॉग हो जाती है, चिपक जाती है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के फैट को ऐसा बना देता है कि विच नॉर्मली वुड नॉट बी हार्मफुल एट ऑल, बट दिस जो ट्रांस फैट्स हैं दे हमारी बॉडी को ऐसा ऑल्टर करते हैं कि हमारे खुद के भी जो फैट्स, नेचुरली अकरिंग फैट्स है, वो भी हार्मफुल हो जाती है हमारी बॉडी के लिए और दे स्टिक टू द आर्टीरियल वॉल, सो हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा हमारी आपसे यही गुजारिश है, तली हुई चीजें कम खाएं, खाने पीने के साथ एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।